नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजी वे ग्लोबल। दोस्तों, संडे सवाल में आप सभी का स्वागत है और ये एपिसोड नंबर 63 है। अगर आपके पास भी कोई समस्या है, कोई प्रश्न जो हमसे पूछना चाहते हैं, तो इस एपिसोड में पूछ सकते हैं और आपके प्रश्नों का जवाब हम अगले एपिसोड में देने का प्रयास करेंगे। लेकिन प्रश्न पूछने से पहले आपको इस फॉर्मेट में कमेंट करना होगा। कमेंट करने का फॉर्मेट कुछ इस तरह से है। सबसे पहले अपना नाम, इसके बाद अपना ट्रेड, ब्रांच, जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में यहां पर लिखना है, एज लिखना है, स्टेट का नाम लिखना है और अपना क्वेश्चन यहां लिखना है। इस फॉर्मेट में कमेंट करेंगे तो आने वाले संडे को हम आपके प्रश्नों का आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपका आज का संडे सवाल। और संडे सवाल शुरू करने से पहले एक सूचना है कि अगर आप आईटीआई के हैं और सरकारी नौकरी का तैयारी करना चाहते हैं तो इजी वे कोचिंग के ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में से किसी बैच को ज्वाइन कर लीजिए, 100% तैयारी हो जाएगा। क्योंकि 2024 तक बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है और इस भर्ती को ध्यान में रखते हुए अभी राइट टाइम है, अभी बढ़िया समय है कि अभी से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी करेंगे तो आने वाले भर्ती तक आपकी तैयारी 100% कंप्लीट हो जाएगी। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा पहला सवाल, सुनील प्रजापति का है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है इनका और 20 साल एज है, उत्तर प्रदेश से। इनका क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि इनका आईटीआई कंप्लीट हो गया है और ये दुविधा में है कि हम अप्रेंटिसशिप कर लें या तैयारी करें, और ये यूपीपीसीएल का भी फॉर्म भरे हुए हैं, तो यूपीपीसीएल का भी तैयारी करना चाहते हैं। तो पूछ रहे हैं कि आपका जो रेलवे का फुल कोर्स है उसको मैंने परचेज कर लिया है तो क्या उससे यूपीपीसीएल का भी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए आपके प्रश्नों का हम जवाब देते हैं। सबसे पहले ध्यान इस बात पर देना है कि आपको सरकारी नौकरी लेनी है, आपको परमानेंट नौकरी चाहिए। अप्रेंटिसशिप टेम्पररी नौकरी होती है, टेम्पररी नौकरी ट्रेनिंग होता है और एक साल बाद आपको बाहर कर दिया जाता है। 8-9 हजार 10 हजार सैलरी मिलता है, इससे तो घर चलने वाला है नहीं। सामने जब दिखाई दे रहा है कि नहीं भर्ती आने वाली है, बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है, रेलवे में या तमाम सेक्टर में भर्ती आ भी रही है, तो पहले अपने तैयारी पर ही ध्यान दे, 100% तैयारी कर ले। 24 से पहले इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं है। अगर आप 24 से पहले कहीं जा रहे हैं तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती के सामने आप नतमस्तक होकर कहीं चले जाइएगा तो ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने से चला जाएगा, फिर आपको अफसोस होगा, बहुत पछतावा होगा। इसीलिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अप्रेंटिसशिप के चक्कर में ना पड़े, अपनी तैयारी पर फोकस करें, क्योंकि बहुत बड़ी भर्ती है, ज्यादा कट ऑफ नहीं था, 50 मैक्सिमम 50-60 के बीच में आपका कट ऑफ हो जाता है, मेरिट लिस्ट बनती है, नौकरी हो जाएगा, थोड़ा सा मेहनत करेंगे नौकरी हो जाएगा। इसलिए कहीं जाने का जरूरत नहीं है, 2024 तक बर्दाश्त कीजिए, बैठिए, किताबों को दोस्त बना लीजिए, किताबों में एकदम विलीन हो जाइए, लीन हो जाइए, समाधि धारण करिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा सवाल आपका यह था कि यूपीपीसीएल का क्या तैयारी कर सकते हैं, रेलवे का जो कोर्स है उसे बिल्कुल कर सकते हैं। ईपीपीसीएल का जो फर्स्ट पेपर होता है जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है 50 नंबर का, जिसमें 20 नंबर आना अनिवार्य होता है, वो अलग कोर्स आपको रेलवे के जो फुल कोर्स है उसमें सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस। बेसिक साइंस में आईटी लिटरेसी नाम का जो फोल्डर है ना, वो सेम फोल्डर यूपीपीसीएल में कंप्यूटर में पूछता है। तो आईटी लिटरेसी मतलब बेसिक कंप्यूटर, उसको पढ़ लीजिएगा तो पहला पेपर हो जाएगा। दूसरा पेपर जो टेक्निकल का होता है, रीजनिंग और जीके जीएस भी होते हैं, तो बाकी चीजें टेक्निकल पूरी तरह से आपको दिख रहा होगा, उसको पढ़ सकते हैं और रीजनिंग का भी कोर्स आपको मिला हुआ है। मतलब रेलवे के कोर्स अगर ढंग से पढ़ाई करते हैं तो आपका यूपीपीसीएल का भी तैयारी हो जाएगा, इसमें कोई कहीं से भी कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है संतोष कुमार का, और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड इनका भी है और एज 17.5 साल लगभग है, झारखंड से है। बोल रहे हैं कि सर मैं अभी आईटीआई फर्स्ट ईयर में हूं, रेलवे का तैयारी करना चाहता हूं तो क्या आईटीआई के साथ करें या आईटीआई के बाद करें। वाह, सबसे पहले आपको धन्यवाद इस बात के लिए कि आपका एज ही 17-17.5 साल है और इस एज में ये ख्वाब देख रहे हैं तो आपका सपना पूरा होगा, आपको नौकरी मिलेगा, क्योंकि आप उन लोगों से अलग हैं जो अपने जीवन के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, ट्वेल्थ करते हैं, आईटीआई करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, लेकिन कभी अपने बारे में सोचते नहीं कि हमें करना क्या है। लेकिन जो लड़का सोचता है तो खोजता है, जो सोचता है वो खोजता है, क्या खोजता है, हमारा गुरु किधर है, हमारा रास्ता किधर है, हमारे लिए किताब किधर है, हम जाएंगे किधर, हमारे लिए नौकरी किधर है। अगर ये ज्ञान आपको बचपन में मिल जाता है ना तो आप सफल हो जाते हैं, कंफर्म है। तो देखिए, आपके लिए मेरा सलाह ये है
कि आप आईटीआई के साथ ही तैयारी करें, आप आईटीआई के साथ तैयारी करें। इसलिए क्योंकि अगर अभी से आप तैयारी करेंगे तो आईटीआई जब कंप्लीट होगा ना, तो आप एक बारूद बन के निकलेंगे। कोई भी एग्जाम सामने आएगा धड़ल्ले से निकल जाएगा, कोई आपको रोक ही नहीं सकता। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि आपके आईटीआई में चार सब्जेक्ट होता है। पहला होता है ट्रेड थ्योरी, ठीक है, दूसरा होता है ड्रॉइंग, तीसरा होता है आपका वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस WCS, और चौथा होता है आपका इंप्लॉयबिलिटी स्किल, ठीक है। ये चार सब्जेक्ट आपका होता है। अब ये चारों सब्जेक्ट रेलवे में पूछता है, रेलवे में पूछता है, रेलवे का सिलेबस देखिएगा तो ये चारों सब्जेक्ट से पूछा हुआ है, और बाकी रेलवे के अलावा सभी जगह ट्रेड थ्योरी से प्रश्न आते हैं। इसीलिए रेलवे का कोर्स ज्वाइन कर लिया, हमारे यहां रेलवे का जो कोर्स है एलपी का, एलपी और टेक्नीशियन का, वो 2900 का कोर्स है, और इस कोर्स में आपको ये चारों सब्जेक्ट तो मिलेगा मिलेगा, साथ में मैथ, रीजनिंग, जीके एंड जीएस ये भी आपको फ्री में मिलेगा, उसी के साथ क्वेश्चंस बैंक और स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। फायदा क्या होगा, रेलवे का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बाकी जगह ये तीन सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस सब प्लस टेक्निकल मिलाकर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये तो बाकी रेलवे के अलावा ये तीन और ये चार सब्जेक्ट का तैयारी साथ ही हो रहा है। तो चाहे इसरो हो, चाहे डीआरडी हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे कुछ भी हो, एकदम आप तैयार है। रेलवे, रेलवे में चारों ये पूछता है और ये तीनों पूछता है, रेलवे का भी तैयारी हो जाएगा और साथ ही साथ आपका आईटीआई का भी तैयारी हो जाएगा। ये चारों सब्जेक्ट आईटीआई में भी है, तो इस तरह से प्लानिंग करके पढ़िएगा तो नौकरी बाबू आपको कोई रोक नहीं सकता, एकदम बारूद के गोला बन के निकलेंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से इस काम में लग जाइए, तैयारी में लग जाइए और तैयारी कीजिए, इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, एकदम बिल्कुल 100% मन लगाकर ध्यान लगाकर पढ़ो। हम गारंटी देते हैं कि आपका आईटीआई कंप्लीट होते आपको नौकरी मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दीपक कुमार, और ये बिहार से इलेक्ट्रीशियन, इनका ट्रेड है, एज 26 साल हो गया है। सर लोको पायलट एग्जाम की तैयारी करें या अदर एग्जाम पर फोकस करें, प्लीज एक्सप्लेन गुरुजी। देखिए अदर एग्जाम का मीनिंग हम यहां पर नहीं समझ पा रहे हैं, अदर एग्जाम या नॉन टेक्निकल, बैंक, पुलिस, दरोगा, किसकी बात कर रहे हैं हम नहीं समझ में आ रहा, या रेलवे के अलावा इसरो, डीआरडीओ, बाक, मेट्रो, इसकी बात कर रहे हैं हमें नहीं पता है। लेकिन आपका जो एंसर मैं देने वाला हूं थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए एक तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आपने आईटीआई किया है, तो आईटीआई के बाहर अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं नॉन टेक्निकल, जैसे पुलिस हो गया, बैंक हो गया, एसएससी हो गया, ये सब, तो आपको नौकरी लेने में काफी मुश्किल आएगा, काफी मेहनत की जरूरत पड़ेगा। एज भी 26 साल हो गया है, बाउंड्री लाइन पर खड़े हैं, और जो एसएससी, पुलिस, ये सब दरोगा होता है ना, इसमें जितना आप मेहनत करते हैं, जितना पढ़ते हैं, उससे 50% कम मेहनत करके, 50% कम मेहनत करके आप यहां पर सरकारी नौकरी पा सकते हैं आईटीआई के लेवल पे। इसलिए आईटीआई फील्ड को नहीं छोड़िए। अब रहा सवाल कि रेलवे का तैयारी करें या अदर एग्जाम का, तो देखिए रेलवे का जो सिलेबस का स्ट्रक्चर आप देखेंगे, रेलवे का जो सिलेबस है इसमें आप देखिएगा मैथ भी है, रीजनिंग भी है, जीके जीएस भी है, और आपका टेक्निकल भी है, टेक्निकल के साथ में ड्राइंग और साइंस भी है। मतलब आपको अगर रेलवे की आप ढंग के तैयारी कर लेते हैं तो दुनिया का कोई भी एग्जाम होता है, हर एग्जाम में मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, टेक्निकल, मैथ, रीजनिंग, टेक्निकल या केवल टेक्निकल, यही सब पूछता है। या टेक्निकल के अलावा एसएससी में चले जाइए, पुलिस में चले जाइए, दरोगा में चले जाइए, बैंकिंग में चले जाइए, एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ऐड हो सकता है इंग्लिश, बाकी सारे सब्जेक्ट यही होते हैं। और हम लोग जो पढ़ा रहे हैं ना, रेलवे का जो कोर्स हम लोग का बना हुआ है, बेसिक लेवल का नहीं है, बेसिक से एडवांस लेवल का है, बेसिक से एडवांस लेवल का है। उस कोर्स को ज्वाइन करके 2999 है और इसमें 6 सब्जेक्ट हम दे रहे हैं, और ये बेसिक से एडवांस तक है, इसको अगर ज्वाइन करते हैं, इससे अगर पढ़ाई करते हैं तो दुनिया का कोई भी एग्जाम में आप बैठ जाइएगा, प्रश्न छूटेगा नहीं, अगर बढ़िया से प्रैक्टिस करके गए होंगे तो। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि रेलवे सामने बहुत बड़ी भर्ती है, ग्रुप डी में भी आईटीआई को लागू कर दिया गया है, इसको ढंग से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, आने वाले दिनों में आपकी नौकरी की गारंटी है। एज जब बाउंड्री पे है ना, जब
स्थिति करो या मरो की आता है, तो अपने आप को समर्पित नहीं करना। मरना है तो लड़ के मरेंगे, अपने आप को ऐसे समर्पित नहीं कर देंगे, ठीक है ना। और लड़ के मरने का जो प्रण लेता है ना, वो जिंदगी में जीतता है, उसको कोई हरा ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके साथ भगवान खड़े हो जाते हैं, वो कायर नहीं है। तो याद रखिएगा, जब मौत सामने हो ना, तो दो ही ऑप्शन होता है, या तो मौत को समर्पित कर दो कि मुझे ले जाइए, मैं कायर हूं, मैं नहीं लड़ सकता हूं, या अपने प्राण की आहुति भी देनी पड़े तो लड़ के दीजिए। क्योंकि जब लड़ते हैं ना आप, तो जीतते हैं, और जीतने की संभावनाएं रहती है, और भगवान भी आपका साथ देते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करिए, जिंदगी में कितना भी मुसीबत आए, अपने आप को सरेंडर नहीं करना है, अपने आप को आत्मसमर्पण नहीं करना है। हम लड़ेंगे, मरेंगे, जीतेंगे, लेकिन हारेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। तो बस यही है आपके लिए मंत्र, आप भी लग जाइए, कलम कापी उठाइए, वो आपका ब्रह्मास्त्र है, उठाइए और प्रण लीजिए कि नहीं, मुझे कुछ करना है। नेक्स्ट सवाल है श्याम कुमार का, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, 25 साल एज है, बिहार से है। क्वेश्चन इनका ये कि सर हमें जीरो लेवल से तैयारी करना है, टेक्निकल का करे या ऑफलाइन करे या ऑनलाइन करे। इनको जीरो से तैयारी करनी है। सबसे बढ़िया प्रश्न है कि जीरो लेवल से तैयारी कैसे किया जाता है। तो जीरो लेवल से अगर आप तैयारी करते हैं तो एक बहुत बढ़िया तरीका होता है आगे बढ़ने का, और तुरंत नौकरी लेने। क्योंकि आप क्या करते हैं ना कि अचानक से किताब उठाते हैं, क्वेश्चंस में मार्केट से किताब खरीदते हैं और लग जाते हैं धुआंधार रटने में, तो रटा हुआ ज्ञान कभी काम नहीं आता है, रटा हुआ ज्ञान कभी काम ही नहीं आएगा। जब जरूरत पड़ेगा ना तो दिमाग में रहेगा ही नहीं रहेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे घुमा कि आप 360 रोटेट कर जाइएगा, कुछ नहीं आने वाला है। इसीलिए हमेशा प्रयास कीजिए कि अगर आप उस सब्जेक्ट का आपके पास ज्ञान नहीं है, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़िए। और जीरो लेवल से पढ़ने का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले आप उसके थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट कीजिए, थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट कीजिए, जो नोट्स सर बता रहे हैं, जो सर पढ़ा रहे हैं, उसको कंप्लीट करिए। और चैप्टर वाइज चैप्टर वन, चैप्टर टू, इस तरह से चैप्टर है, चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए, ठीक है ना, टेस्ट दीजिए और टेस्ट का इवैल्यूएशन कीजिए। मतलब जो टेस्ट दिए हैं उससे आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में हम कितना कमजोर हैं। शुरुआती जो टेस्ट होगा, बेसिक लेवल के प्रश्नों को हल करिए, बेसिक फंडामेंटल को क्लियर कीजिए, उस चैप्टर पे अपना जो ज्ञान है उसको इंप्रूव कीजिए, अपने तर्क शक्ति को इंप्रूव कीजिए। ये जब हो जाता है ना, तब आप क्या कीजिए, मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस कीजिए, उस सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। और मॉक टेस्ट में क्या होता है, सारे चैप्टर से प्रश्न होते हैं। अब इस तरह से मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस कीजिएगा, तब जो रिजल्ट आएगा 80+ आ रहा है, समझिए कि आपकी तैयारी बेहतर हो चुकी है, और थोड़ा सा निखारने का जरूरत है। और इस तरह से कम टाइम में बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि लगातार क्वेश्चन को रटते जाते हैं, उनको लगता है कि हम तो सारे क्वेश्चन की आपके सारे पढ़ लिए। ऐसा कुछ होता नहीं है, एक एक चैप्टर अपने आप में समुद्र है। प्रश्न बनाना चाहेगा ना तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, आंसर नहीं दे पाएंगे। लेकिन वही चैप्टर पढ़े हैं, थ्योरी पढ़े हैं, नोट्स बनाए हैं, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस किए हैं, मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस कर लिए, तब आपके सामने कोई भी प्रश्न हो ना, उसको गर्दा उड़ा दीजिएगा, धुआं धुआं कर दीजिएगा, नहीं तो धुआं धुआं दिखाई देगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जीरो लेवल का मतलब ये होता है। अब आपका प्रश्न है कि ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन। देखिए, हमारे यहां जो कोर्स है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बस अंतर इतना ही है कि आप अगर ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो क्या आपके पास टाइम रहता है, क्या आपके घर वाले काम के लिए नहीं बोलते हैं, क्या आप दिन भर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई आपको डिस्टर्ब करता है या नहीं करता है। अगर आपको कोई डिस्टर्ब करता है, घर वाले काम के लिए हमेशा बोलते रहे, यार दोस्त आपको कहीं लेके चले जाते हैं, शादियों में चले जाते हैं, आपके पास टाइम नहीं रहता है, चाक भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए ऑफलाइन में वेलकम है। नहीं तो ये सारी घटनाएं आपके साथ नहीं हो रही है, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं कि दिन भर पढ़ रहे हैं तो कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है संजना मिंज का। संजना मिंज, इनका प्रश्न है, इनका ट्रेड है फिटर, एज 20 साल है, झारखंड से। प्रश्न ये कि सर मेरा इस बार आईटीआई कंप्लीट हो गया है, 10th में 77%, बहुत अच्छा, नाइस, 12th में 64%, बहुत अच्छे, आईटीआई में 84%, गुड। मुझे रेलवे में जॉब करना है सर, अभी मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है सर, प्लीज बताइए। देखिए, सही समय पर आपने प्रश्न पूछा है, शायद आपको हम मोटिवेट कर पाए। अभी टाइम है,
तैयारी में एक दिन भी अब लेट मत कीजिए, प्रश्न का जवाब देने के बाद तुरंत कॉपी कलम खरीद कर बढ़ जाइए, लग जाइए, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है रेलवे के लिए, इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ना है ना, लेकिन एक एक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी से पढ़ लेंगे। और आपके लिए एक रिक्वेस्ट है कि रेलवे पे एक मैंने वीडियो बनाया है कि ऐसे तैयारी करोगे तो 100% नौकरी मिल जाएगा, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, सर्च कीजिएगा रेलवे इंजीनियर अभिषेक राज यूट्यूब में, हम दिख जाएंगे। देखिए सबसे पहले करना क्या है आपको, 2999 का जो कोर्स है रेलवे का, हमारा फुल कोर्स, ठीक है ना, रेलवे का आपके ट्रेड का, वो परचेज कर लीजिए। इसमें क्या है कि इसमें एक तो आपका लेक्चर मिल जाएगा, इसमें आपको लेक्चर मिल जाएगा, रिकॉर्डेड क्लासेस हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चंस बैंक मिल जाएगा आपको, तीसरा आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, ये दोनों का सोल्यूशन वीडियो भी मिल जाएगा, इन दोनों का सोल्यूशन वीडियो भी अवेलेबल है आपको, ठीक है। इसके अलावा स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको, नोट्स जिसको बोलते हैं आप लोग, स्टडी मटेरियल, चौथा लाइव क्लास भी मिलेगा आपको, रिकॉर्डेड भी है, लाइव है, और इसकी वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगा। अब इसमें क्या किया गया, बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया हुआ है, कहां है, बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया हुआ है। करना क्या है कि आप एक रूटीन बना लीजिए, सबसे पहले आप मैथ रीजनिंग टेक्निकल पर फोकस कीजिए, तो एक रूटीन बनाइए कि हमको कितने घंटे क्या पढ़ना है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि पहला चैप्टर आप फिटर्स हैं, कटिंग टूल उठाया टेक्निकल का, तो कटिंग टूल का आपने नोट्स बनाया, वीडियो देखा, नोट्स बनाया, और इसके बाद आपने प्रैक्टिस सेट लगाया, लगाना है, और इसके बाद जो रिजल्ट आया उसमें पता चला कि आपका नंबर बढ़िया है तो बहुत अच्छी बात है, खराब है तो उसको एनालिसिस कीजिए कहां मिस्टेक हो गया, फिर दोबारा टेस्ट दीजिए, और इसके बाद अगर आपका नंबर इंप्रूव हो जाता है तो नेक्स्ट चैप्टर का नोट्स बनाइए। इसी तरह से सारे चैप्टर को पढ़ना है, नोट्स बना लेना है, प्रैक्टिस करते जाना है सारे सब्जेक्ट का। अब ये सब हो जाता है तो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कीजिएगा, मॉक टेस्ट भी आपको क्वेश्चंस बैंक में मिलेगा, ठीक है। और ये सब चीज करने के बाद आप एक शॉर्ट नोट्स भी बनाने का प्रयास कीजिएगा, कब, जब सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाए, सारा टेस्ट लगा लिए, तब दोबारा से जब टेस्ट दीजिएगा तो उस समय मॉक शॉर्ट नोट्स बनाने का प्रयास कीजिएगा। शॉर्ट नोट से फायदा यह होगा कि आपके पास बहुत शॉर्ट में वो चीज का कलेक्शन हो जाएगा जो आपको नहीं पता है, और वही चीज है कि जो नहीं पता उसी का कलेक्शन करना है और उसी का रिवीजन करना है। और याद रखिएगा 10 बार रिवीजन करना है, टोटल जितने भी यहां प्रैक्टिस सेट आपको दिए हैं क्वेश्चन बैंक में 10 बार रिवीजन कर लेना है। 10 बार अगर आप रिवीजन करती हैं तो कोई भी एग्जाम हो, रेलवे के साथ किसी भी एग्जाम को आप क्रैक कर लीजिएगा, इस बात की गारंटी है। तो चलिए ये काम जल्दी से कर लीजिए, ठीक है, पढ़ जाइए, क्योंकि आपका परसेंटेज देख के मुझे लगता है कि आप पढ़ने में अच्छी है, ठीक है। नेक्स्ट है, नाम है सचिन महतो। हेलो सर जी, आप कैसे हो? सर आप बहुत अच्छे हैं, आपके जितना भी तारीफ किया जाए कम है, बहुत बहुत धन्यवाद इस तारीफ के लिए, ठीक है। और सचिन महतो 44% है टेंथ में, 12th में 59% है, इलेक्ट्रीशियन में 89% है, वेस्ट बंगाल से हैं, एज इनका नवंबर में 20 साल हो जाएगा, ड्रीम है एलपी। क्वेश्चन है कि सर मैंने 23 में आईटीआई कंप्लीट हो गया है, मेरा सभी दोस्त प्लेसमेंट में जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मन बहुत करता है कि बट पढ़ाई पर फोकस नहीं हो पा रहा है, अब अभी बताओ मुझे अभी क्या करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि एलपी का कब तक आएगा। तीसरा क्वेश्चन है मुझे दिन में कितने घंटा पढ़ना चाहिए। देखिए सबसे बड़ा सवाल आपके सामने, जो सभी लोग करते हैं ना, आप भी वही कीजिएगा तो लकीर का फकीर कहलाइएगा। भेड़ चाल नहीं चलना है, देखते हो ना, एक भेड़ आगे चला पीछे सारे भेड़ चल रहे हैं, वो भेड़ अगर कुएं में गिरेगा ना तो सारे भेड़ भी कुएं में गिर जाएंगे, तो भेड़ों वाली चाल नहीं चलनी है। जिन लोगों का प्लेसमेंट हुआ है ना अभी, अच्छा लग रहा है आपको, उन लोगों को अच्छा लग रहा होगा, आपको बुरा लग रहा होगा, ये वो लोग आपको सलाह भी देते होंगे कि अरे यार प्लेसमेंट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ठीक है ना, दुनिया सलाह देगी, लेकिन दुनिया आपके बारे में नहीं जानती है कि आप क्या करना चाहते हैं। आपके अंदर जो बारूद है ना उसमें चिंगारी की जरूरत है, क्योंकि आपका मन नहीं है, आपको कुछ करने का मन है, तो उस अंदर जो बारूद छुपा हो ना उसमें चिंगारी लगाइए कि दुनिया जो करती है, जो सलाह देती है, वो अपने मन मुताबिक देती है, लेकिन करना आपको खुद है। ड्रीम जब एएलपी है, असिस्टेंट लोको पायलट ड्रीम है, तो फिर हम दुनिया के चाल पर क्यों ध्यान दें, हम अपनी चाल को बढ़िया करेंगे ना। इसलिए आपको अभी कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल 100% बैठकर तैयारी करिए, ध्यान मत दीजिए। एक टाइम मेरे टाइम में बीटेक में ना सारे दोस्तों का प्लेसमेंट हो रहा था, बढ़िया बढ़िया जगह जा रहे थे, उनके रिलेशन वाले उनको बुलाकर नौकरी दे रहे थे, कोई 20,000, कोई 25,000, कोई 40,000 पर नौकरी के लिए चला गया था, और मैं अकेला ऐसा बचा हुआ था ना, अकेला नहीं, दो तीन साथी और थे,
जिनको प्लेसमेंट में जाना नहीं था और जाते तो होता भी नहीं, मुझे कुछ और ही करना था। और शायद अभी अभी इस टाइम की हम बात करें तो वो लोग भी जिनका प्लेसमेंट हुआ था, जो ज्ञान दे रहे थे ना, वो लोग भी आज बोलते हैं कि नहीं भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुमने सही डिसीजन लिया है। तो आज भले आपको लगता है कि आप गलत हैं, गलत कर रहे हैं, लोगों की नजर में गलत है, लेकिन आप सही हैं, क्योंकि आपका ड्रीम ही अलग है। जिंदगी हमेशा नहीं मिलती, एक ही बार मिला हुआ है, इसको उपयोग कर लीजिए, बस यही मैं कहना चाहूंगा। इसलिए आप सबसे पहले पढ़ना शुरू कीजिए, अगर आप मेरा सहयोग चाहते हैं तो एलपी का 1999 वाला कोर्स ज्वाइन कर लीजिए और तैयारी में दिलो जान से लग जाइए। दुनिया का कोई ताकत आपको नहीं रोक सकता है, आप सफल होंगे। क्योंकि ये लंबा चौड़ा मैसेज देकर मुझे यही लग रहा है कि आपके कहीं ना कहीं दिल के अंदर में बारूद है जो रेलवे के लिए फायर होने वाला है, वहां तक आपको पहुंचाने वाला है ना। चंद्रयान जाता है ना, नीचे बारूद रॉकेट लगा रहा था, रॉकेट पहुंचाता है, वहीं आपके अंदर वो रॉकेट है जो रेलवे के ड्रीम तक पहुंचा सकता है, लेकिन उसके चिंगारी की जरूरत है। ठीक है, कब तक आएगा? तो देखिए जनवरी फरवरी में पिछले बार आया था, ठीक है ना, इस बार भी वही मान के चलिए। अब कब आएगा उससे क्या मतलब, तैयारी में लग रही, आएगा जरूर। ठीक है, कितना घंटा पढ़ना चाहिए, घंटों के हिसाब से पढ़ाई होती नहीं भाभी साहब। इसके लिए आप एक वीडियो को देखिए, नोट्स कैसे बनाए, कितने घंटे पढ़े, लगातार हर सैटरडे को मैं वीडियो डालता हूं, उसको देखिए ध्यान से, समझिए कि मैं क्या बोलता हूं। वहीं से वीडियो तो आप नहीं देखते, उस पर व्यू ही नहीं जाता है। आलतू फालतू का वीडियो बना दो, व्यू एकदम भयंकर जाता है, लेकिन जो काम वाली वीडियो है ना, जो आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है, उस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता है, देखता ही नहीं है, देखा कीजिए उसको। ठीक है, नेक्स्ट है मनीष कुमार चौरसिया, उत्तर प्रदेश से, फिटर और कोपा दो से आईटीआई किए हैं। बड़ी कंफ्यूजन है आपके अंदर में, फिटर से भी कर लिए, कोपा से भी कर लिए, चलो, और एज भी 28 साल, 28 साल एज होने के पीछे ही कारण है, इतना जिंदगी में कंफ्यूजन है कि समझ नहीं पा रहे कि करना क्या है। अब प्रश्न इनका देखते हैं, सर मैं लास्ट टाइम एलपी में ट्रेड में फेल हो गया था, उसके बाद मैं बहुत ही परेशान प्रेशर में आ गया हूं, और तो और सर इससे बीच में मेरा एक्सीडेंट भी हो गया, अभी कुछ मंथ से रिकवर हुआ हूं, तो क्या मैं अभी एएलपी टेक्नीशियन का तैयारी करूं या नहीं, प्लीज कुछ बताइए, क्योंकि मेरी एज ज्यादा हो गई है। कोई बात नहीं, एज ज्यादा नहीं हुआ, एज सही है। ठीक है, जब जगे तब सवेरा, अगर आप ठान लीजिएगा ना तो इस साल रेलवे में नौकरी हो जाएगा, कोई आपको रोक ही नहीं सकता है। बस जो डेडिकेशन अभी है ना, वो डेडिकेशन बना के रखे, तैयारी कीजिए, मेरे सलाह है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि मेहनत हम करते जाते हैं, करते जाते हैं, आधा सफर तय करते हैं, थोड़ा सा बचा होता है, थक जाते हैं, लगता है कि अब हमसे नहीं होगा, लेकिन वही पॉइंट में अगर आप डिसीजन लेते हैं कि नहीं मुझे थकना नहीं है, थोड़ा सा तो बचा है और थोड़ा सा प्रयास करके देखते हैं, सच में आपको सफलता मिलता है। तो जितना भी पीछे गलती हुई है, जितना भी कंफ्यूजन हुआ है, जो भी हुआ, त्रासदी हुई है आपके साथ में, मानता हूं मैं, उन सबसे सीख लीजिए और एक बार फिर से प्रयास कीजिए, मुझे लगता है आपको नौकरी मिल जाएगा। तैयारी पर ध्यान दीजिए, फोकस दीजिए, हो जाएगा, तैयारी आपको करनी चाहिए। क्योंकि आप ना केवल टेक्निकल में फेल होते हैं, जहां पर कोई फेल ही नहीं होता, और टेक्निकल में फेल होने का कारण ये था कि आपने टेक्निकल पर ध्यान नहीं दिया था। 75 में से 35% नंबर लाना है, आराम से आ जाएगा, 28-29 क्वेश्चन सही करेंगे, पास हो जाएंगे। और नहीं अगर विश्वास हो रहा है तो मेरे कोचिंग आइएगा, जो रेलवे का प्रश्न है ना 75 क्वेश्चन, जिसमें 35% आना है, मेरा बच्चा बिना नोट्स उठाए क्लास में अगर बैठ गया ना सारे चैप्टर में, तो क्वालिफाई कर जाएगा, बहुत आसान है। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि आपने आधा नहीं 80% दूरी तय कर लिया है, पिछले बार आपने क्वालिफाई किया है, सोचो, तो आप छोड़ने का सोचना भी नहीं, आप तैयारी करो। जो लड़का सोचो जरा, फ्रेशर अभी तैयारी में लगा हुआ, तैयारी करने का प्रयास कर रहा है, आप तो तैयारी कर चुके हैं, रिवीजन का जरूरत है, लगातार रिवीजन कीजिए, इतना रिवीजन कर लीजिए, एग्जाम में बैठिए ना तो क्वेश्चन नहीं आंसर दिखे डायरेक्ट। इसलिए आपको तैयारी करना है, हार नहीं मानना है, और नौकरी निकल जाए तो मिलने आना है, बताना है कि सर मेरा कमेंट बताए थे। अंकिता कुमावत, एज 22 साल है, स्टेट राजस्थान है, ट्रेड कोपा है, मुझे किसका तैयारी करना चाहिए? देखिए अंकिता, तुम्हें जो ट्रेड है तुम्हारा कोपा है, आपके ट्रेड की भर्ती पीएसयू में ज्यादा आता है। कहां आता है? पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू मत आता है, जैसे डीआरडीओ, इसरो, बार, आईजीसीआर वगैरह कहीं कहीं आता रहता है, या कहीं कहीं स्कूल वगैरह कॉलेज की भी भर्ती में आईआईटी वगैरह एनआईटी में देता है। तो करना क्या है कि उस तरह का सीरियस भर्ती तो आता नहीं है, कभी कभी साल में 2-4 भर्ती देखने को मिलता है,
तो आप पहले अपना ट्रेड थ्योरी को कंप्लीट करिए, ट्रेड थ्योरी ढंग से पढ़ लीजिए, ट्रेड थ्योरी पढ़ने के बाद मैथ और रीजनिंग का पढ़ाई कर लीजिए। ये अगर अपना पढ़ाई कर लेते हैं आप तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन इस बात के लिए थोड़ा सा मुझे दिक्कत है कि ये भर्ती बार बार कोपा का नहीं आता है, लेकिन जो भी आता है सॉलिड आता है। डीआरडीओ में पिछली बार आया था, इस बार भी डीआरडीओ आने वाला है, तो तैयारी कीजिए, भीड़ कम होता है, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, नौकरी आपको मिल जाएगा। कोर्स के लिए इजी वे कोचिंग में कोर्स अवेलेबल है कोपा का, आप ज्वाइन करके पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए आज का संडे सवाल यही पे होता है समाप्त। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक और शेयर करने से पता है क्या होता है, आपको रिवार्ड मिलता है। कौन रिवार्ड? भगवान का रिवार्ड मिलता है, क्योंकि आप शेयर जब करते हैं तो लोगों को कल्याण के लिए करते हैं, किसी को जानकारी देते हैं, किसी को मदद होता है, और उसका जो परिणाम होता है ना, उसका जो फल होता है ना, वो आपको मिलता है। तो इस काम में, भगवान के काम में हाथ पीछे क्यों, हाथ आगे करके किसी का मदद कीजिए, भगवान आपके लिए भी हाथ खोलेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।